komunu tutmayı mı nikarda? Na suyu gelse, na yürüye karabaro bazak. 20 mesele pardon, 20 mesele 2 mesele çalışıyor. 18 adam değil, 2 adam kâm karıyor. Mahallat mı kabii light niye jati? Vazir-i Azam house mı light niye jati? Or yaha karabar niye kar sakta? Dardi, apni mesele niye çalış sakta? पाकिस्तान के उस शहर से कबूल कीजिए जिधर गुर्बत की नौयत भी संगीन है और जिधर पैसे की फरावानी भी कमाल है। हम बात करेंगे पावर और गैस लोड शेडिंग की, हम बात करेंगे उन 10 लाख मजदूरों की फैसलाबाद में जो दर दर भटक रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इधर के बेशतर मजदूर जो हैं वो अब क्राइम के अंदर पाए जाते हैं, नकली गन्स के साथ, बंदूकों के साथ, क्योंकि रोजगारी तो अब मिल नहीं रही, तो क्राइम रेट इधर मजीद और बढ़ गया है। आखिरकार ये सब कुछ क्यों हो रहा है, आज कट थ्रोट क्रॉस फायर में बात करेंगे, क्योंकि हम मेरे एक साइड पे सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, सारे वो नुमाइंदगान बैठे हैं जो मजदूरों की, आवाम की और इंडस्ट्री की नुमाइंदगी कर रहे हैं। दूसरी साइड पे हमारे सियासी रहनुमा बैठे हैं, जिसके बारे में ये जरूर कहना चाहूंगी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इधर तक आए भी। अजीब बात है आजकल की दौर में सियासी नुमाइंदगान, हम होस्ट और एंकर्स को तो जवाब दे देते हैं मगर लगता है कि आवाम को जवाब देने से अभी भी हिचकिचाते हैं और डरते हैं। ये आखिर क्यों है ये हम पूछेंगे अपने ही एक ब्यूरो चीफ से, मगर पहले तारुफ करवाए देती हूँ हमारे गेस्ट का। हमारे साथ आज मौजूद हैं चौधरी सलामत अली साहब, आप हैं चेयरमैन पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। उनके साथ तशरीफ रखते हैं वाहिद रामी साहब, चेयरमैन पावलूम ओनर्स एसोसिएशन। उनके साथ बैठे हैं असलम मिराद साहब, सेक्रेटरी लेबर कौमी मूवमेंट। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे साथ इधर मोहिउद्दीन साहब बैठे हैं, ब्यूरो चीफ हैं दुनिया न्यूज़ के। मेरी इस साइड पे आज हमारे साथ तशरीफ रखे हुए हैं एमपीए मुस्लिम लीग नून ख्वाजा इस्लाम साहब। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं राणा मुश्ताक अहमद साहब, पीपल्स पार्टी फैसलाबाद के चेयरमैन प्रेसिडेंट हैं, और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के नुमाइंदे आज हमारे साथ मौजूद हैं जो साबिक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, इंजीनियर जावेद इकबाल साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आप ही से शुरू करूँगी ख्वाजा साहब, मुझे बताइएगा कि सबसे पहले क्या जब फैसलाबाद की बात होती है तो ये बात फैसलाबाद तक ही महदूद है कि मोईशर को कितना धचका पड़ रहा है, या ये पूरे पाकिस्तान पे इसके असरात मुरतब होते हैं? जी मैं थैंक यू वेरी मच। इस इंडस्ट्री के ऊपर जो आजकल गैस और बिजली का बहरान जारी है, जो तकरीबन 3.5 साल हो चुके हैं, इसका मोईशर के ऊपर इंतहाई बुरे नुकसान हो रहे हैं। अगर आप नॉर्थ जोन की फैसलाबाद, सियालकोट और गुजरांवाले लाहौर की बात करें तो $2 बिलियन की एक्सपोर्ट है इधर से सिर्फ नेटवेयर की, और 2 लाख मजदूर इसमें नेटवेयर के इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जो तकरीबन इसमें से 2 लाख में से 1,20,000 जो है ना वो मजदूर ले ऑफ हो चुका है जी, और इंडस्ट्री जो है ना वो कबाड़खाने बन रही है, और लोग इंडस्ट्री भेज के पाकिस्तान से बाहर, कैपिटल फ्लाई हो रहा है और स्किल भी हमारी फ्लाई हो रही है पाकिस्तान से, और ये इंतहाई ख़तरनाक है। जो फैसलाबाद मैनचेस्टर कहा जाता था आज कबाड़ बनता जा रहा है, और ये पूरी दुनिया का कबाड़ बन रहा है। पूरी दुनिया इधर से आकर मशीनरी बांग्लादेश में ले जा रही है, कोरिया में ले जा रही है, बहुत से मुल्कों में इधर से पाकिस्तान से मशीनरी जो है ना शिफ्ट हो रही है। पिछले 3 साल में रुझान ज़्यादा बढ़ा है, पिछले 3 साल से इंतहाई सतह को टच कर गया, इंडस्ट्री तकरीबन क्लैप्स कर चुकी है। भाई सब क्या बात है, कबाड़ क्यों बन रहा है मैनचेस्टर और पाकिस्तान? इसलिए बन रहा है कि हमारे पास कोई पॉलिसीज नहीं है, कोई विजन नहीं है, क्योंकि हमारी फोकस हमारी इंडस्ट्री था, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि ये साल इंडस्ट्री की बहाली का साल करार दिया गया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस साल में इंडस्ट्री जो है वो 45 रुपये किलो स्क्रैप में बिक गई है, और हुकूमत ने किसी बंदे ने इस पर तवज्जो नहीं दी कि हज़ारों लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए। बिजली और गैस के लिए हमें धक्के खाने पड़े सड़कों के ऊपर आके अपने मजदूरों के साथ, फिर जाकर बिजली मिली। 3 सालों में कंटिन्यूसली हमें 6 घंटे रोजाना बिजली नहीं मिल रही, और नवंबर से लेकर मार्च तक हमारे पास 4 दिन के लिए हफ्ते में गैस नहीं होती थी। आज ब्लाक की गर्मी है, लेकिन देखें 3 दिन इंडस्ट्री को गैस नहीं है, 8 घंटे हमारे पास बिजली नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी प्रोडक्शंस का नुकसान है, पाकिस्तान की साख को इतना नुकसान पहुँचा इंटरनेशनली के लोग पाकिस्तान के ऑर्डर जो हैं वो आपको बांग्लादेश, चाइना और दूसरे ममालिक में देने पड़े, जिसके बाद आपकी इंडस्ट्री बिल्कुल स्क्रैप हो गई। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जिस तरह कहा गया है कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो कब्रिस्तान बन गया और बाहर से लोग आ गए। साहब क्या बात है, क्या वाकई जिस तरह आपके को चेयर पर्सन और हमारे सदर कहते हैं कि लोड शेडिंग तो यूरोप में भी होती है, दूसरे ममालिक में ही होती है, शायद हम ही बढ़ चढ़ के बनाते हैं? आज मैं आपको बता दूं कि लंदन में भी पावर शॉर्टेज, मगर बीबीसी पे वो खबर नहीं आती, इंडिया में है मीडियम की वो जीनत नहीं बनती। क्या वाकई ऐसी बात है, क्या क्या ये सारे फजूल बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? जहाँ तक चौधरी सलामत साहब ने बात की है इंडस्ट्री के बारे में, इसमें कोई मैं शक वाली बात नहीं है कि बिजली का
और गैस का क्राइसिस मौजूद है। जहाँ तक बिजली की बात है, दो माह पहले वहीद रामे साहब, चौधरी सलामत साहब सारे यहाँ इकट्ठे हुए थे, बिजली का बहरान था, जो हमने उसके ऊपर एफर्ट्स कर सकते थे, तमाम MNS को कॉल की, एमरजेंसी कॉल दी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर कमेटी बना दी और रिजॉल्व कर दिया कि बिजली की लोड शेडिंग है लेकिन इसको शेड्यूल के मुताबिक किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं, ये ठीक है उसका वो अच्छा, इजाजत दीजिए असलम साहब, क्या बात है, वो कहते हैं हम कोशिशें कर रहे हैं, मसला है आए रोज हम फैसलाबाद में एहतजाज, हड़तालें, मुजाहरे देखते हैं, क्या आप इनकी नीयत पे शक कर रहे हैं या आपको लगता है कि ये कोशिश भी नहीं कर रहे? हम 3.5 साल से यही सुनते आ रहे हैं कि आज हालात बेहतर हो जाएंगे, आज लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, आज हम गैस ईरान से ले रहे हैं, कोयले से पैदा कर रहे हैं, बिजली के लिए हम पावर प्लांट लगा रहे हैं, ये सब बातें हैं सुन सुनकर हम हमारे कान पक गए हैं, हमें किसी तरफ से कोई ठंडी हवा नहीं आई, किसी ने अभी तक कोई इसके लिए कोई खातर खा ऐसी कोशिश नहीं की कि जिससे फैसलाबाद, जिसे हम मैनचेस्टर कहते हैं, जहाँ से 60% रेवेन्यू सिर्फ फैसलाबाद से जाता है, जहाँ 10 लाख मेहनत कश पावर लूम सैजिंग प्रोसेसिंग प्रिंटिंग और दीगर शोभा जात में काम कर रहा है, आज गैस की बदतरीन पाकिस्तान की तारीख की लोड शेडिंग की वजह से इंडस्ट्री बंद हो रही है और जिससे वाबस्ता लाखों मेहनत कश बेरोजगारी का शिकार होकर खुदकुशियां करने पर मजबूर हो चुके हैं, घरों के चूल्हे बुझ चुके हैं, लेकिन हमें कोई उम्मीद नहीं है, ना पहले थी ना अब है, ये तसल्लियाँ लोरियाँ हम 3.5 साल से सुन रहे हैं, मजदूर तबका को, मेहनत कश तबका को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, दिन ब दिन लोड शेडिंग भी बढ़ती जा रही है, गैस पहले 2 दिन थी बंद, अब 3 दिन हो गई है पंजाब में बिल्कुल, अब सोच रहे हैं कि 4 दिन की जाए, उनकी एक मीटिंग हुई है, उन्होंने 10 तारीख से 100% गैस की लोड शेडिंग खत्म कर दी है और ये कल एहतमा के 10 तारीख से इस महीने की 10 तारीख से ये लास्ट हुई है, इसके बाद ये राजा परवेज अशरफ जैसे ही वादे हैं सर, ये मैं कल आप मैं 2009 को सिर्फ बिजली की लोड शेडिंग पर, जिसमें ताजर भी शामिल थे, इंडस्ट्रीज भी शामिल थे और मजदूरों का एक बड़ा तबका था, जब इन्होंने चीफ फेस्को हाउस का घेराव किया, तोड़ फोड़ की, सड़कों पर निकले, तो फिर आसफ जरदारी ने इसका नोटिस लिया, फिर राजा परवेज अशरफ फैसलाबाद के अंदर आए, फिर राजा रियाज जो सीनियर मिनिस्टर इसी फैसलाबाद से तल्लक रखता है, फिर यहाँ पर आए और उस वक्त राजा परवेज अशरफ ने फैसलाबाद की पावर लूम इंडस्ट्री को बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया गया था। ऐसे नहीं हुआ था, तो अगर राजा साहब की बात सुन लेते एक मिनट सर, शुरू कर दीजिए, मैं दो गल्ला करना चाहना, तू कर लेना जिन्नी मर्जी, जहाँ तक मेरे भाई ने बात की है ना, ये मैं उस वक्त, आज इस सलामत साहब नारजून के चेयरमैन है, उस वक्त मैं इसी एसोसिएशन का आल पाकिस्तान का चेयरमैन था, वो तशरीफ लाए थे और उस वक्त भी वहीद रामे साहब बैठे, इन्हीं के साथ बैठ के तय हुआ था और लोड मैनेजमेंट ही की गई थी, इसी तरह ही लोड मैनेजमेंट करके ही एग्जाम तो थी। जहाँ तक इन्होंने बात किया ना कोल का, कोल के ऊपर मैं एक बार तो आप मानने को तैयार हो कि जो इतना पुराना मैटर चल रहा था कि कोल निकल नहीं रहा था, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कम से कम ये क्रेडिट तो दे दें कि उन्होंने वो सूबों के दरमियान प्रॉब्लम खत्म करके कोल वहाँ से निकलना शुरू हो गया है। समर मुबारक मान साहब ने जी जी जी, मुझे इस मसले का 20 मेगावाट का वहाँ से प्रोजेक्ट भी हो गया। अब बिल्कुल फाजा साहब से बात सुन ले पहले, और इसी मसले के ऊपर आपसे एक और सवाल भी किया जाएगा कि जो ये सूबों का मसला आप कहते हैं ना हल कर दिया 18वीं तरमीम के जरिए भी, वो असल में किया क्या आप सबने, पहले हो गया था, बात करें जी ख्वाजा साहब। मैं सबसे पहले तो दुनिया का शुक्रगुजार हूँ, सेंसिटिव इशू पर बात करने जी, हकायक ये है कि पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग का गढ़ है जी, पंजाब को सजा दी जा रही इस बात की, जहाँ पर लोड शेडिंग, जहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग, सुई गैस की लोड शेडिंग, मैं ये बात कहनी चाहूँगा कि जिस इंडस्ट्री को बैंक इंटरेस्ट तो 30 दिन का लगे, 720 घंटे का उससे इंटरेस्ट लिया जाए, जिस वक्त इंडस्ट्री में सो रहे होंगे उस वक्त इंटरेस्ट लिया जा रहा है, लेकिन उसको बिजली मिले 11 दिन,
सुई गैस मिले 12 दिन, वो कैसे सर्वाइव कर सकते? वैसे ख्वाजा साहब कतक लामी माफ, अगर आप बात सुन रहे वो सर्वाइव नहीं कर सकती। मैं ये बात कहती हूँ कि अगर पाकिस्तान के साथ साथ इक्वल शुरू किया जाए, अब यहाँ से पंजाब से रिकवरी 94% है, सिंध से रिकवरी 6% है, बलोचिस्तान से रिकवरी 11% है, सरहसा से रिकवरी 14% है, वहाँ पे लोड शेडिंग ना बिजली की है ना सुई गैस की है, सिर्फ पंजाब के साथ पीछे ज्यादा हो रही है। जब आपका मिशन कमीशन का होगा तो आपका सारा जोर कमीशन खाने पे होगा, आप किसी भी तरीके से इंडस्ट्री की मुल्क की खिदमत नहीं कर सकते। इतने बुरे हालात में अगर आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए गांवों को शहरों को नई गैस दे रहे हैं तो पहले आप इंडस्ट्री को बचाएं। जो मैं ख्वाजा साहब एक बात ये बेचारे अपील कर रहे हैं, कौन बट्टे वाले जो ईंटों के बट्टे ईंटों वाले हैं ना, उनका 16% टैक्स लगा दिया। आप देखे ना, ये देखने वाली बात है, कौन जिम्मेदार है? पंजाब गवर्नमेंट है। कौन जिम्मेदार? पंजाब गवर्नमेंट का मैटर है। जो भी है ना, यहाँ अगर सियासत करनी है ना तो फिर 101 सवाल मजीद और भी दिए जा सकते हैं। आप शहर के नुमाइंदे की हैसियत से बैठे हैं, सवाल ये कि ये जो आंखों में धूल झोला जाता है कि जरदारी और टोला जो है वो महरूम कर रहे हैं पंजाब को, क्या आपने 18वीं तरमीम में इस बात का सौदा नहीं किया कि नेचुरल रिसोर्सेज जिस सूबे के होंगे पहला हक उनका होगा और फिर जो बचेगा वो दूसरे सूबे को देंगे? मेरे कहने का मकसद है ये सारी आबादी इधर, एक सर ख्वाजा साहब, ये जो महरूम हो रहे हैं गैस से क्योंकि आपने सौदा कर लिया है, गैस पहले पंजाब गैस तो बनाता ना। मैडम ये हुआ है कि ये 18वीं तरमीम के तहत ये सूबों को दिए गए हैं और सूबे जो है एडमिट करके आए हैं उधर, और ये पंजाब गवर्नमेंट की इंतहाई गलती है कि इन्होंने उसको एडमिट किया और 151 जो है उसको लागू किया गया। आज तक ये शिक जो थी वो स्लीपिंग थी, इसको इन्वोक किया गया। ये 18वीं सौदा तो आपने खुद किया है, पंजाब गवर्नमेंट की बात सुन रही, उसमें गिव एंड टेक हुआ है। पंजाब एक सेकंड, कुर्बानी दी है क्या जी? सौदा नहीं किया पंजाब, सौदा ने किया हमने बलोचियों के लिए, सिद्धियों के लिए, सरदों के लिए कुर्बानी दी है। पंजाब हमेशा कुर्बानी दे रहा और हमेशा पिस रहा है। पंजाब को कुर्बानी देने की सजा दी जा रही है, जो जरदारी टोला पूरे मुल्क को लूट के फिर बांट देगा। नहीं देखिए, अगर आपने मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर कुर्बानी दी है तो फिर बड़ा पन दिखाए ना, फिर ये क्यों कहते हैं कि जरदारी टोले ने लूट लिया है? सारी लोड शेडिंग पंजाब में क्यों हो रही है? पेट्रोलियम की जो किल्लत है पंजाब में क्यों आ रही है? सीएनजी स्टेशन जो 3 दिन के लिए पंजाब में बंद किए जा रहे हैं और सिंध में अभी 2 दिन के लिए अनाउंस किया है, ज्यादती की इंतहाई है कि पंजाब के साथ जो जानबदारा रवैया अख्तियार किया जा रहा है और जो 18वीं तरमीम के तहत जो मिनिस्ट्रीज दी गई है उसके फुल फ्रेश सोर्सेज नहीं दिए गए, उसको महदूद मिनिस्ट्रीज को दिया जा रहा है, जिसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर पार्टियां वो रिट पिटीशन में जाने की तैयारियां कर रही हैं। अच्छा जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? कहता हूँ ये लोड शेडिंग का बुरान कैसे हल हो सकता है जबकि मसरूफ की पार्टी ने खुद आते हुए राजा परवेज रशीद ने यह किया कि अब कालाबाग डैम का नाम नहीं लेना, जहाँ से 5500 मेगावाट बिजली आ सकती है और पता नहीं कितना पानी आ सकता है। अब जब ये शहरों में तो गिने चुने लोग हैं जो 2-4-10 लाख बेरोजगार, अभी ये गांव के गांव उजड़ जाएंगे, शुमालिया बन जाएगा। अभी ये कह रहे हैं भट्टों का मसला पंजाब का है, वो तो फैसले का सेल टैक्स कौन सा पंजाब में लाता है? वो मैडम ये सब सियासी नारे हैं, हम जो 7 साल से सुन रहे हैं, ये जितने भी ये नारे लगा रहे हैं सब सियासी बयान आ। अज तक इन्होंने मजदूर और गरीब मजलूम वास्ते कुछ नहीं किया, और बहरान सिर्फ गैस और बिजली का ही नहीं, कभी चीनी का बहरान, कभी गंदम का। ये सारी बातें आके पूछेंगे, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, राणा साहब आपसे भी पूछेंगे, ख्वाजा साहब आपसे भी, जावेद साहब आपकी जाने भी आएंगे, छोटा सा वक्फा लेंगे और दो अहम सवाल। क्या 18वीं तरमीम में मुस्लिम लीग नून ने पंजाब का सौदा नहीं किया? दूसरा अहम सवाल राजा परवेज अशरफ के बारे में जो बार बार तारीखें देते रहे। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक, कीप वॉचिंग क्रॉस फायर स्पेशल फ्रॉम फैसलाबाद। चीनी महंगी, बिजली महंगी, अभी नहीं लगती, कितने चाहिए लुटके खा गए पीपी वाले, नून वाले लुट लुटा गए
फंड बना गए, आटा कोई नहीं, बिजली कोई नहीं, बिजली कोई नहीं, गैस कोई नहीं, गैस कोई नहीं, बिजली कोई नहीं, गैस कोई नहीं। मैं मोहिउद्दीन साहब आपकी जानिब आऊंगी। आप आवाम के नारे सुन रहे हैं, ये नाला है, ये नाकुनाक आए हुए हैं हर सियासी जमात से। मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहती हूँ, मुझे जाती तौर पर तो बड़ी दिक्कत हुई कुछ सियासी नुमाइंदगान को लाने के लिए, और मैंने इसीलिए शुक्रिया अदा किया इनका। क्या बात है कि क्या सियासी नुमाइंदगान आटा, चीनी, बेरोजगारी, गुर्बत, इन इश्यूज के ऊपर, लोड शेडिंग के ऊपर वाकई हमें तो स्टूडियोज में जवाब दे देते हैं, इनको जवाब देने से लगते हैं? बिल्कुल, मेरा ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि आप देखें ये नारे क्या लग रहे हैं, पीपी वालों के खिलाफ, नून लीग वालों के खिलाफ, यही दो बड़ी जमातें हैं फैसलाबाद की। और जो बात है कि यहाँ पर जवाब देने की कोई नुमाइंदा तैयार नहीं है। मैंने पीपल्स पार्टी के 3 MNA से, मैं नाम ले देता हूँ उनका, राणा फारूक सईद टेक्सटाइल मिनिस्टर, उनसे बात की, बहाना क्या कहा उन्होंने, कहा मैं कहीं शहर से बाहर जा रहा हूँ। अच्छा। उस वक्त कहा जब मैंने बताया कि इशू क्या है। अच्छा। एजाज विर्क MNA पीपल्स पार्टी, इधर से ही बिल्कुल, बस इस शहर का है, मैंने वो इस शहर में है, उसने कहा मैंने किसी शादी पे जाना है, उसको ये इशू नहीं है। मैंने शादी इस टाइम पे तो नहीं होती सर। सईद इकबाल से बात की, वो MNA, वो भी आने को तैयार नहीं। इस्लामाबाद में मेरी कोई मीटिंग है, राजा रियाज अपोजिशन लीडर है और वो बड़ी बात करते हैं फैसलाबाद के बारे में, आज भी फैसलाबाद में मौजूद है, वो भी आने को तैयार नहीं। क्या कहते हैं? वो कहते नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं किसी इफ्तिताही तकरीब में जाना है। अच्छा, हमें हमसे हमें उनकी तरफ से कहा गया कि अवाम को अभी तक दिया ही क्या है जो उनका सामना करें। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रही हूँ, वो जरूर देख रहे होंगे। फैसलाबाद की पुलिस जो है ये तस्दीक कर रही है, उनके ऑफिसर्स बाकायदा इस बात को, हर चौथा जो स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस शख्स है वो पावर लूम्स का मजदूर है, वो प्रोसेसिंग का मजदूर है। उसके पास जवाब एक है कि मेरे 5 बच्चे हैं, मैं 200-300 रुपया जो है वो पहले कमाता था, ये लोग अब क्रिमिनल्स बन रहे हैं। अगर NR की फूटेगी तो कहा जाता है कि इस मुल्क के इसी शहर से फूटेगी, जिधर इतनी डिस्पैरिटी है रिच एंड द पुअर के अंदर, जिधर बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, जिधर मजहबी रुझानात भी बहुत हैं। क्या आपको भी लगता है कि क्या वाकई जो हालात है वो उसी तरफ जा रहे हैं और दो बड़ी सियासी जमातों को कोई खबर नहीं है? नवाज शरीफ 5,000 रुपए टैक्स देता है, नहीं देता, अपनी रिकॉर्ड से दुरुस्ती कर ले, आपका नारा बड़ा प्यार है, वो क्लियर कर चुके हैं। इंजीनियर जावेद इकबाल की इनकम टैक्स, एनुअल इनकम टैक्स स्टेटमेंट 8,45,000 रुपए है। हमारे है पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत नहीं है, बोगस जमहूरियत है। हमारे पाकिस्तान में हकीकी लोड शेडिंग है जनाब। हकीकी लोड शेडिंग कोई नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है जनाब। आप जिसको वोट देना है वो कहते हैं हकीकी लोड शेडिंग है। 1900 MW जनरेशन है। जी बुखारी साहिबा, मैं पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं ये सभी इस्तेसाली तबके से ताल्लुक रखते हैं, ये चोर और लटेरे और डाकू हैं। पाकिस्तान में बिजली गैस की कोई बहरान नहीं, पाकिस्तान दुनिया का वाहद मुल्क है जहां पूरी दुनिया से अल्लाह की ज़ात ने ज़्यादा मादनियात रखी हैं, यहां पर मिसमैनेजमेंट की कमी है। मैं आज ये पूरे पाकिस्तान के अवाम के सामने साबित करता हूँ कि पाकिस्तान में इतना कोयला मौजूद है कि 500 साल तक पाकिस्तान में बिजली सस्ती पैदा की जा सकती है, मगर ये लोग, ये बदमाश लोग, ये लटेरे लोग सिर्फ अपना कमीशन और अपना अपने प्लाजे और अपने बाबा जी को दीजिए प्लीज। बाबा जी बात यह है कि यार गरीब आदमी मेहनत करने जाता, 200 रुपया कमाता, 200 हांडी से लाइंदा, बाकी की करूंगा। कोई कानून नहीं है, कोई रेट नहीं है किसी चीज का, महंगाई इतनी हुई है, प्राइवेट बंदा की करूंगे जरा महंगा कारोबार कर दे, सरकारी उन्हें तनखा पा जाती है। बाबा जी तुसी की करते हो, तुसी करते की हो? मैं मजदूर आदमी हूँ, मेहनती आदमी हूँ, रोजगार मिल रहा है, अनपढ़ है, कोई शह नहीं, कोई रोजगार कोई नहीं मेरा, नहीं मिल रहा। नाम हाजी मोहम्मद अल्ताफ है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ अंजमन मालकान बड़ा खिस्तकरा। इस हुकूमत ने बेरोजगारी का एक नया तूफान बर्पा करने के लिए ईंटों पे सेल टैक्स लगा दी है। तकरीबन 50 लाख आदमी इस सनत से वाबस्ता है,
और इस हुकूमत का वादा है रोटी कपड़ा और मकान का। रोटी भी गई, कपड़ा भी गया, और अब मकान बनाने के लिए जो इस्तात है वो भी खत्म हो जाएगी। जी अच्छा, अब हम आएंगे वहीद साहब के जान, रुक जाए वहीद साहब जी। जितना मीडिया वोकल है, अलाइव है, आप देखें 1,20,00,000 रुपए में एक यूनिट बिजली का जनरेट हो रहा है और आपकी हुकूमत इतना करप्शन में धस गई है, 47 रुपए यूनिट आप खरीद रहे हैं, तो ये सारी करप्शन की एक अजीब दास्तान है। और 21,40,000 कुंडे लगाए हुए जो है इलीगल, और वो सारी बिजली इन गरीब लोगों से छीनी गई है, तो ये किसी चीज़ का कोई हिसाब नहीं है इस मुल्क में। टर्किस जो प्लांट लगाया गया था, देखें 60 अरब रुपए में सिर्फ 12 मेगावाट बिजली आपको मिली है, तो ये सारी चीजें एक अजीब कहानी सुना रही हैं। एक बात वापस इससे पहले ख्वाजा साहब आपकी जानिब आऊंगी, मगर इन्होंने कहा कि शहर का मजदूर अब आप लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। उसकी रीजन ये है कि उनको काम नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल, जब काम नहीं मिल रहा तो बेरोजगार हो रहा है मजदूर। आपकी जिंदगी भी अंडर थ्रेट है, हमारी जिंदगी अंडर थ्रेट है, हमारी इन्वेस्टमेंट अंडर थ्रेट है, हमारी फैक्ट्रियां लॉक हो रही है, फैक्ट्रियां सेल हो रही है। आप अगर फैक्ट्रियों का विजिट करें तो 30% फैक्ट्रियां जो है वो काम कर रही है, 70% आपने आई थिंक आपने जाती तौर पे भी, और बेशतर लोग हैं, आपने भी बांग्लादेश मूव किया है। हाँ, बांग्लादेश में फैक्ट्रियां लगाई हैं, हमने लगा दी है फैक्ट्री। और उधर माहौल ज्यादा मुस्बत लग रहा है आपको? उधर माहौल इधर से 1000 दर्जे बेहतर है, इन्वेस्टमेंट का कोई थ्रेट नहीं है, गैस 30% पे मिल रही है, अगर इधर 100 रुपए की उधर 30 रुपए की मिल रही है, लेबर चार्जेस कम है। क्या है कि फैक्ट्रियों में जहाँ पे 13,000 मजदूर था उन्होंने 70% कट लगाया, 4,000 मजदूर बकाया रह गया। अब 4,000 मजदूर से 2,500 फिर निकाल रहे हैं, 1,500 मजदूर बजाय से 13,000 मजदूर की बजाय 1,500 मजदूर काम करेगा। और ये मजदूर जब अच्छे हालात थे तो यहाँ से 500-700-800 रुपया रोज कमाते थे। सिर्फ एक ही वजह है कि पंजाब मुस्लिम लीग नहीं, ये राणा साहब हंसती है। राणा साहब क्यों हंसती है? मैं इसलिए हंस रहा हूं जी कि बात है कि ये शहर फैसलाबाद है, ये मजदूर सारे हमारे भाई हैं, हम यहीं से इंडस्ट्री से काम करते हैं, इंडस्ट्रियल हैं। खाया साहब नंबर गेम की बात ना करें, मुझे एक बात बताएं कि 80% जौन सी महंगाई है वो पंजाब गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल करना है, क्यों नहीं करते ये मुझे बताएं सर। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का काम है यकीनन दोनों को पकड़ना, मगर देखें जब रॉ मटेरियल्स इतने महंगे हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट के खर्चे महंगे हो जाएंगे, तो प्राइस कंट्रोल। मैम देखें मेरी बात सुने, जो तो आप पेट्रोल की बात करती हैं, ये बाकी चीजों से वो तो मार्केट का है, इंटरनेशनल के हिसाब से वो बढ़ती और कम होती है, पहले बढ़ाई गई अब कम भी हो गई है पेट्रोल की कीमत। जो मैक्सिमम रोजमर्रा की जरूरियात की जिंदगी की चीजें हैं, यहाँ हर बंदा अपनी मर्जी से वो चीजें आप इसका जवाब दीजिए ना, मुझे बताएं ये किसकी जिम्मेदारी है, किसकी गलती है कि हमारे बड़े बड़े लोग जो हैं सरमायाकार जो हैं वो अपनी इंडस्ट्रीज बाहर लेके चले गए। मैं आपको बताऊं, ये वफाकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। बात बड़ी सिंपल सी है, ये कैलकुलेशन की बात है कि जब इन बेचारों को बैंक का इंटरेस्ट जो है वो 30 दिन का पड़ेगा, जब इन बेचारों को महीने में 720 घंटे का इंटरेस्ट पड़ेगा, और इनकी फैक्ट्री चलेगी 11 दिन, इनको लोड शेडिंग सुई गैस की मिलेगी 12 दिन, तो ये कैसे सरवाइव कर सकते हैं? मैं साहब की एक बात का जवाब दे दूं और सलामत साहब की, मैं सलामत साहब की बात का भी जवाब दे देता हूं, मेरी अरज सुने जरा। इसमें अगर जुडिशरी के बहाली के लिए आते हैं तो इंडस्ट्री ने सिसक के मार रही थी, मजदूर और मालक सड़कों पे थे, तो इस वक्त हुक्मरानों का भी था। इसी हमारी बैक पे आते हमारे साथ चलते गैस के लिए, शिवाजी साहब ने कहा कि मैं आपके साथ सड़कों पर आऊंगा, लेकिन वो नहीं आए हमारे साथ। बात ये नहीं है, 2005 और 6 के अंदर इस मुल्क के अंदर जब माशाल्लाह अपना परवेज मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी, उस वक्त बैंकों के रेट आपको पता है कि दुनिया से सबसे कम तरीन कर दिए गए थे, उस वक्त इंडस्ट्री लगने आप भी मुशर्रफ को याद कर रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं उस लिहाज से याद नहीं कर रहा, मैं इंडस्ट्री के हवाले से बात कर रहा हूँ। उस वक्त जो इंडस्ट्री वालों ने पैसा उठाया वो इन्वेस्ट किधर हुआ? सर ये तो आप वो जो पैसा उठाया वो इन्वेस्ट किधर हुआ? ये लॉजिकल सवाल है जी, किधर इन्वेस्ट किया? इन्वेस्ट इधर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट हुआ है, और उसकी रीजन क्या है? दुबई में इन्वेस्ट हुआ? नहीं, गलत बात है, तमाम दुबई को उन्होंने बिठा दिया। 122 दिन सही ड्रामे साहब भी इससे मेरे से एग्री होंगे, 122 डेज साल में गैस नहीं मिली इंडस्ट्री को, और तकरीबन 50 डेज बिजली नहीं मिली, इन हालात में कौन सी इंडस्ट्री सर्वाइव कर सकती है? साहब आप 2007-08 की बात कर रहे हैं, मैं 2005-06 की बात कर रहा हूँ। इंडस्ट्री वाले मेहर साहब जो बात होते हैं ना, ये इंडस्ट्री वाले
इनको जहाँ फायदा मिलता है ना दुनिया में ये वहाँ अपना फायदा देखते हैं, सियासतदान भी अपना फायदा देखते हैं। नहीं, आपने मोहम्मद की सियासत किसने की थी? अपनी जगह बचाने के लिए, तीन साल के अंदर इंडस्ट्री के लिए इस गवर्नमेंट ने काम किया है। मैं आपको बताता हूँ, ये 5 लाख मजदूर जो कैपिटल हमारा बाहर क्यों जा रहा है, यहाँ रॉ मटेरियल नहीं है, गैस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है, हमारे पास बिजली नहीं है। अभी इन्होंने कहा कि वो 10 जुलाई से खत्म हो जाएगी। पिछले साल अप्रैल में वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया कि इंडस्ट्री को 2 दिन गैस बंद होगी, एक हफ्ते भी इस पर अमल नहीं हुआ। मुझे खजाने की चाबी दे दें, अब 15 दिन में बिजली की लोड शेडिंग खत्म कर सकते हैं। जावेद इकबाल साहब ने बहुत बड़ा चैलेंज ले लिया, अपने खजाने की चाबी दे दे, मैं 15 दिन में इस मुल्क की सूरत हाल सही कर दूंगा। ये है तरीके इंसाफ का आज का चैलेंज। हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे और एक बार फिर आवाम की जानिब जाएंगे क्रॉस फायर फैसलाबाद पर। सारा कुछ महंगा, वो तीर भी महंगा, वो बिजली है, वो पानी है। आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। फैसलाबाद वो पाकिस्तान का शहर है जिसे 2008 में ये कहा गया था कि पूरे मुल्क में से अगर बेहतरीन जगह है इन्वेस्टमेंट करने की तो वो फैसलाबाद है। और उसी सर्वे में बताया गया था कि अगर ये इसी ग्रोथ रेट से बढ़ता चला गया तो 2025 तक इसकी ग्रोथ रेट जो होगी वो कराची और लाहौर से ज्यादा होगी। क्या बात है कि ये नेगेटिवली चलना शुरू हो गया पूरा प्रोसेस। क्या बात है कि इधर 5 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। क्या बात है आखिर कि ऑन ए डेली बेसिस रोजमर्रा की जिंदगी में आपकी 5 से 8 गाड़ियां चोरी हो रही हैं, 15 से 20 मोटरसाइकिल्स चोरी हो रही हैं, जो ऑफिशियल इधर हमें रेट्स बताए जा रहे हैं। क्राइम रेट आपका डबल हो गया है। यही सारे सवालात मगर इस दफा का सेगमेंट एक दफा आवाम के पास से शुरू करेंगे। जी ये वो लोग हैं जो सब कुछ लूट के खा गए हैं। इन लोगों को नहीं पता बिजली की तकलीफ क्या होती है, भूख क्या होती है। इनसे पूछो इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, कभी ये पढ़ते हैं पाकिस्तान में, इनके बच्चे कभी नहीं पढ़ते। इनके बच्चे पाकिस्तान में, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। इनके जनरेटर घरों में लगे हुए इतने इतने बड़े, इनको क्या पता बिजली का। UPS लगे हुए हैं इनके, इनके जनरेटर उतारे फिर इनको बिजली की तकलीफ का पता चलेगा, फिर इनको पता चलेगा भूख क्या होती है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं यहाँ पर बैठ के। मैडम जाकर ये मिनरल वाटर से नहाएंगे, मैं आपको बताता हूँ ये बात। इनके लिए जरासीम लग गए हमें, गरीबों के जरासीम लग गए हैं हमें। इनकी फैक्ट्रियां जाकर चेक कर लें, अगर 100 मजदूर इनके यहाँ काम कर रहा है तो 20 मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी कार्ड मिले हुए हैं, 80 को ये खुद ही मुकमका करके उधर पैसे दे के उनको 80 को इशू नहीं कर रहे। ये मजदूरों को क्या दे रहे हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट भी मजदूर का इस्तेमाल कर रहे हैं आज, और हुकूमत वक्त जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी मिलकर इस्तेहसार कर रहे हैं। आज पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी का दावा करने वाले हमारे ये मुंतखब नुमाइंदे ही कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज सोशल सिक्योरिटी एक्ट 1965 मौजूद है मगर 2% मेहनत कशों को भी सोशल सिक्योरिटी कार्ड की सहूलत मौजूद नहीं है। EOBI एक्ट 1976 मौजूद है मगर 1% भी मजदूरों को EOBI कार्ड पेंशन कार्ड की सहूलत नहीं है। आज इस असम्बली के अंदर बैठ कर ये 67 अरब का बजट पेश करने वालों ने उस बजट के अंदर मेहनत कश और गरीब आवाम के लिए एक पैसे का भी ऐलान नहीं किया है। जहाँ तक जो मजदूरों की ये बात बिल्कुल सही है कि हमें इंडस्ट्री वाले बीच में हम भी हैं, हमारी भी कोताहियाँ होंगी, कि ये इनका सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनाना चाहिए और 100% बनाना चाहिए। ये इनसे पैसे लेके ये पंजाब गवर्नमेंट के अंदर आता है, ये ख्वाजा साहब बेहतर इसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं कि इनको चाहिए कि वो सही तरीके से उसको चेक करें, 100% की इम्प्लीमेंटेशन करके ताकि उनका बिजनेस। उसमें ये बात करूंगा असलम राज साहब कि जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट पंजाब में आई है, मेरा ये क्लेम है कि जितने सोशल सिक्योरिटी कार्ड पहले बने हुए थे उसकी परसेंटेज से मेरा 100 टाइम ज़्यादा बने इस वक्त। ये बात ठीक है? अच्छा मेरी बात सुने, बात सुने असलम राज साहब, बात सुनो। आखिर मैं एक बात करूंगा, देखिए अभी मेरी एक ही बात है कि मेरी फैक्ट्री को से बता लेते हैं, मेरे पास सैंपल्स हैं, मैं नाम फैक्ट्रियों का लूंगा। असलम राज भाई एक बात सुन ले, वो मटेरियल इकट्ठी करते हैं और उनको प्रोटेक्शन इशू जो ये है वो गवर्नमेंट देती है, जो मजदूर ने बिल्कुल वक्त पे वो दे रही है। असलम राज साहब आप उनका नाम ले, कौन-कौन प्रोटेक्ट करते हैं? मैं आपको बताता हूं कि यहां मोहम्मद हुसैन खालिद, हम पिछले दिनों इस फैजाबाद के अंदर एक राणा शहबाज नामी लेबर ऑफिसर का मुंह काला करके लोगों ने, मजदूरों ने गधे पर बिठाया, वो मौके पर फैक्ट्री मालकान से
पैसे वसूल कर रहा था, कह रहा था आपको सोशल सिक्योरिटी कार्ड, ये जो इशू है ये इशू हुकूमतों की जिम्मेदारी है। वफाक की हुकूमत ने इम्प्लीमेंट के लिए एक कानून बनाना है जो नहीं बनाया। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने क्या किया है, जो पहले ऑर्डर्स हुए हैं ये गवाह है उसमें, सब इंडस्ट्रियल की फैक्ट्रियाँ जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनकी एक इंस्पेक्शन होती है, सरप्राइज इंस्पेक्शन, ये वहाँ मजदूर को कुछ दिया जा रहा है या नहीं। सबसे पहले उसको विड्रा किया गया, किसी ऑफिसर को पास पावर नहीं है। लेकिन सीधी सी बात है, एक एक नुक्ते में मेरा ये कहना है, अगर इंस्पेक्शन पर पाबंदी लगाई आज का खाद मेला क्यों और बहादुर लीडर की जरूरत है, जो जो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल कर बात कर सके वो इमरान खान है, और इमरान खान ही इस मुल्क को बुरहान से निकाल सकते हैं। जी जो इमरान खान गरीबों से हाथ मिलाने पे मतलब तोहीन समझता है, वो गरीबों का क्या देगा। इलेक्शन टाइम नियर आ रहे हैं एक दफा फिर से, ना फैसलाबाद के लोग आपको तस्लीम कर रहे हैं ना आपको तस्लीम कर रहे हैं। मैं बस ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि ये मुझे आप बताएं इसकी सलूशन क्या है, मुख्तसर सारे जवाब में फिर आप लोगों के पास आऊंगी कि इलेक्शन के वक्त आप इन्हीं के पास आएंगे गले लगाने के लिए, किस तरह वोट मांगा जाएगा। इस वक्त मैडम जो 21,500 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पाकिस्तान में मौजूद है, जो फिजिकल डेफिसिट की वजह से जो उनको पेमेंट्स नहीं हो रही उसकी वजह से ये ऑयल उनको नहीं मिल रहा जी, अगर उनको ऑयल दे दिया जाए तो बिजली की लोड शेडिंग 24 घंटे में ख़त्म हो सकती है। अगर वो रेंटल पावर जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए उसके ऊपर फर्नेस के ऊपर, और उसकी गैस जो है इंडस्ट्री को दे दी जाए और इंडस्ट्री को प्रायोरिटी बेस पे गैस दी जाए तो ये मसला फौरी तौर पे हल हो सकता है। जी जी, फैसलाबाद का मसला जो है ये अंधेरे हैं और इंडस्ट्री की बदहाली है, इसको सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि हमें बिजली गैस जो बिल्कुल दी जाए, हमारी प्रोडक्शन 100% होगी, हमें सड़कों पर मजदूरों के साथ धिक्के नहीं खाने पड़ेंगे, हमारा काम धिक्के खाना नहीं है, इंडस्ट्री चलाना है, ये मजदूर का काम है। इंडस्ट्री निकाल के कहीं और नहीं जाना पड़ेगा किसी बिल्कुल हमें नहीं जाना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के अंदर जो है दयानतदार क़यादत की जरूरत है जी, अच्छा। पर दयानती है, करप्शन है, नीचे उनका कोई पॉलिसी नहीं होती, जब जहन के अंदर फतूर होगा, बदनीयति होगी, कमीशन की तरफ मुझे कोई लालच होगी, जाती मफादत होंगे, फिर मैं ऐसी पॉलिसियाँ नहीं बना सकूंगा जिससे आवाम को रिलीफ मिले। फिर बिजली की लोड शेडिंग इसी तरह जारी रहेगी, गैस की लोड शेडिंग जारी रहेगी, मजदूर विरोध होकर सड़कों पर वेला करते आपको नजर आएंगे, क्राइम रेट बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, गुरबत बढ़ेगी, और आय रोज खुदकुशियाँ होंगी, इंडस्ट्रियलिस्ट भी इस तरह रोते रहेंगे। शफाफ और साफ और शफाफ की जरूरत है। मैं असल में ये सारा है इंडस्ट्री को चलाना कैसे है, जी जो ऐलान करती है गवर्नमेंट उस पर अमल नहीं होता। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मुख्तसर मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा तीनों के तीनों। पहला सवाल आपसे, सबसे बड़ा गिला शिकवा ये भी हुआ कि शहबाज शरीफ ने कहा कि ये मेरा मसला है, मैं इसकी ओनरशिप लेता हूँ, मगर वो ना बाहर आए, ना उन्हें किसी को गले लगाया, ना इम्प्लीमेंटेशन की किसी पॉलिसी की, बस अगर की तो सियासत की, और कहा कि जरदारी टोला जो है हमें महरूम कर रहा है। शहबाज शरीफ साहब कोई तहरीक निकालेंगे आप अगले इलेक्शन में, किस तरह इनके पास जाएंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा शहर अगर यहाँ का मजदूर खुशहाल हो जाएगा तो तमाम मामले ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मजदूर कब खुशहाल होगा? जब फैक्ट्रियाँ चलेंगी। फैक्ट्रियाँ कब चलनी है? जब उनको सुई गैस पूरी मिलेगी और बिजली पूरी मिलेगी। जनाब राणा साहब, राणा साहब बल्कि आपके पास तो आखिरी कमेंट आना चाहिए हुकूमत होने के, पहले जावेद इकबाल साहब। और भैया शहबाज शरीफ ने जब इनकी तरफ से मायूस हुए तो फिर उन्होंने चाइना जाकर 500 मेगावाट का उनके लेके आए सिर्फ पंजाब के लिए। दोनों पार्टियां टोपी ड्रामा कर रही हैं, अवाम को बेवकूफ बना रही हैं। हमें इस वक्त पाकिस्तान को एक नीट एंड क्लीन ईमानदार क़यादत की जरूरत है, अच्छा। जो अवाम के लिए प्लानिंग कर सके। मेरा क्लेम ये है कि नियाम बब्बू शहबाज शरीफ जिसने ये जिसने नियाम बब्बू शहबाज शरीफ ने साबित किया वो इस मकर का उस कमेल का और पंजाब के लिए आप तीनों में से बैठे हुए दो लोग जो बोल रहे हैं जो बीच में खामोश है, मुझे लगता है उसने फिर जीत के आ जाना है। तो मैं आपसे पूछती हूँ राणा साहब,
क्या वाकई आपको इनके दर्द का एहसास है? क्या आपको इस बार बार जरदारी साहब अपने हर तकरीर में बात करते हैं इकोनॉमी की, इकोनॉमी का ग्राउंड लेवल पे जो हाल है आपने देखी है? मैं महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी मजदूर किसानों की जमात है और इंशाल्लाह पाकिस्तान ने 3 साल के अंदर इंडस्ट्री के लिए बहुत काम किया है। अगर कोई कहता है नहीं किया, मुझे एक एक फिगर याद है। 62 साल हिस्ट्री में पहली दफ़ा टेक्सटाइल पॉलिसी थी, उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, लेकिन पैसे की कमी की वजह से जरूर कोई क्राइसिस आए हैं। जहाँ तक मैं ये रिक्वेस्ट है कि ये महंगाई है, बाकी सिस्टम है, देखें मैं पंजाब गवर्नमेंट से आपके प्लेटफार्म से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको आकर इसको चेक करना, ये चेक एंड बैलेंस रखे और ये महंगाई डेफिनेट 15 से 20% डेफिनेट कम आ जाएगी अगर ये तवज्जो सही दे। ये 45% टैक्स है, 90 रुपए का डीजल है, 40 रुपए टैक्स है। महंगाई को खत्म फौरन कर सकते हैं, अपनी एजेंसियां खत्म कर दें, महंगाई खत्म हो जाएगी। पेट्रोल का रेट जो है 90 की बजाय 60 रुपए। ये अब मेरा भाई है, क्रिटिसाइज ये जरूर कर रहे हैं, हर चीज में इनका हक है, लेकिन क्योंकि इन पे जिम्मेदारी नहीं है, इन पे जिम्मेदारी नहीं है, जिन पे जिम्मेदारी है वो की बात कर रहे हैं। उनको खत्म करें। देखें हम शहर की बात कर रहे हैं, तरीके तहरीके इंसाफ हो, दीगर जमातें भी जो हैं सियासी तौर पे सरगर्म हो रही हैं इलेक्शंस के लिए। मगर आज ये कहना गलत ना होगा कि अभी हाल ही में जो एनर्जी कॉन्फ्रेंस भी हुई है, अगर वहाँ जो पॉलिसी मुरतब की गई थी, वहाँ जिस नतायज के ऊपर गौर फिक्र के बाद पहुँचा गया था, अगर उसके उस पर इम्प्लीमेंटेशन कर ली जाती और अगर पॉलिसियों को संजीदगी से ले लिया जाता तो शायद हमारे हालात जो हैं वो बेहतर होते। मे बी इट वुड बी अ लिटिल स्टेप, बट इट वुड अनडाउटेड बी अ लिटिल स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। इसी के साथ साथ आज महर बुखारी और क्रॉस फायर की टीम को फैसलाबाद से इजाजत दीजिए। टिल आई सी यू ऑल अगेन, खुदा हाफिज़।